नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि पीएम ई केवाईसी किस तरीके से करते हैं, पीएम किसान ई केवाईसी किस तरीके से करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि पीएम किसान ई केवाईसी करने के लिए मार्फो सेटिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो शुरू से मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मगर आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से और कैसे, और वो भी एकदम सरल से सरल तरीका मैं आपको बताऊंगा मार्फो सेटिंग करने से लेकर के किसान ई केवाईसी तक का बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। अगर आपके सिस्टम में मार्फो आरडी सर्विस अगर इंस्टॉल है तो आप उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। अनइंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले यहाँ लिखिए मार्फो आरडी सर्विस, ठीक है। मार्फो आरडी सर्विस लिखेंगे, नीचे सर्च में आ जाएगा, इसको आपको सर्च कर देना है। इस तरीके से आपके पास जो सबसे पहला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आइए आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। नेक्स्ट पेज में ले जाने के बाद देखिएगा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर में डाउनलोड का एक ऑप्शन मिल रहा है, डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है। देखिए सबसे ऊपर में मेरा माउस का कर्सर जहाँ पे है उसको आप देख लीजिए ध्यान से। तो इसको नीचे से दूसरे नंबर पे इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिए मेरा, तो इस तरीके से अगर आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे नीचे में थोड़ा सा देर। ये देखिए होने लगा, मेरा इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको डाउनलोड है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। इसके बाद आपको सिंगल क्या करना है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद आप कंप्यूटर में जाइए और सी ड्राइव में जाइए। सी ड्राइव में जाने के बाद आपको यहाँ पास एक मार्फो आरडी सर्विस लोकल सॉफ्ट के नाम से मिलेगा फोल्डर, उसको आपको क्लिक करके खोलना है। और यहाँ देखिए इस तरीके से खुलेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग लिखा है, ठीक है। इस पर आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। नोटपैड में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और इसको देखिए यहाँ कम्युनिकेशन मोड, अगर आपका यहाँ पे एक है इस तरीके से, अगर एक होगा तो आपको इस एक को डिलीट करके आपको यहाँ पे जीरो करके और कंट्रोल एस से सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब करना क्या है आपको कि स्टार्ट मेन्यू में आइए, यहाँ पे सर्च कीजिए सर्विस SERVICE, इतना लिखेंगे तो ऊपर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आया सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से एक नए विंडो आपके सामने खुल करके आएगा, इसमें आपको कुछ इस तरीके से दिखेंगे। इसको किसी में भी इस तरीके से टिक करने के बाद एम प्रेस कीजिए, कीबोर्ड में एम प्रेस कीजिए। एम प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए आपको यहाँ मार्फो आरडी सर्विस नाम से एक मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करना है। इसके बाद देखिए राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में आपको स्टॉप पोस्ट और रीस्टार्ट लिखा है, इस पर आपको रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। मार्फो को आप पहले लगा लीजिए, तो मैं यहाँ पे मार्फो लगा लेता हूँ, मेरा यहाँ मार्फो लग गया। इसके बाद इसको रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से होगा। इसके बाद एक सक्सेसफुल का यहाँ पास मैसेज आएगा आपके पास, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। इस तरीके से कुछ टाइम लेगा। इसके बाद देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, इसको सिंगल सा ओके कर देना है और इसको भी बंद कर देना है। इस तरीके से आपका मार्फो आरडी सर्विस एक्टिवेट हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपका पीएम किसान आराम से हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से होता है उसको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आइए और न्यू विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ, सॉरी एक सेकेंड। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पास गूगल इस तरीके से ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है पीएम ई केवाईसी, ठीक है। पीएम किसान, ठीक है। ई केवाईसी आपको नीचे मिल जाएगा इस तरीके से, आपको इसको क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरीके से खुल करके आएगा। फर्स्ट लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है इस तरीके से। फर्स्ट लिंक में क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज मिल जाएगा, इस तरीके से ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बार होम पे क्लिक करना है। होम में क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से खुल करके आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखिए यहाँ राइट साइड में आपको दिखेगा सीएससी लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको मांगेगा सीएससी आईडी, ठीक है। तो आपके पास जो सीएससी आईडी है उसको डाल दीजिए, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, अपना पासवर्ड डाल दीजिए इस तरीके से, आप कैप्चा कोड फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद साइन इन कर दीजिए। साइन इन करने के बाद ये आपको
अगले नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे ले जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, करंट आधार नंबर, फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हैं, एडिट फार्मर डिटेल्स, उसका जो किसान का डिटेल्स है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। नाउ बेनिफिशियरी स्टेटस, आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि क्या है, मैक पेमेंट है, बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आएगा, यहाँ पास आपको जिस किसान का आप केवाईसी कर रहे हैं उसका इसमें आधार नंबर डाल दीजिए, ठीक है। इसमें आधार नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद इस तरीके से आपको सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ठीक है। एंटर आधार रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे किसी का भी कर देता हूँ। इस तरीके से करने के बाद आपको गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। अब इस तरीके से करेंगे तो देखिए यहाँ पास लिख दिया है ओटीपी हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर। आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला गया होगा, तो मेरे पास यहाँ आ गया है, तो मैं इसको डाल देता हूँ। इस तरीके से डालने के बाद, ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन खुल करके आएगा, आपको नीचे वाला पे कैप्चर फॉर ई केवाईसी बाय मार्फो डिवाइस, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका मार्फो जल जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मार्फो जल चुका है, ठीक है, यहाँ पर मेरा मार्फो जल चुका है, देख रहे हैं लाइट दिख रहा है इसमें, इस तरीके से मैसेज आता है। अब इसके बाद आपको आप में नहीं आएगा, मेरे में आ रहा है, मेरा मार्फो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए, देख लीजिए आप लाइट जल रहा है। तो आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक दूसरे के पास शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मैं इस वीडियो में चाहता हूँ कि 1000 लाइक हमको मिलेगा, आशा करके इस वीडियो को बनाया हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।